क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसका शॉर्टकट क्या है, किस तरह से ये लर्न करना है और थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से ये डिवाइडेड है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हम आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखिए कैसे प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट टिश्यू में। तो मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो डिफरेंशिएट होकर परमानेंट में बदल जाते हैं। फिर इसको डिवाइड कर दिया है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी में। इसके बाद कर दिया है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। इसको परमानेंट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू इसमें किया है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। फिर सिंपल को किया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स को किया है जाइलम और फ्लोएम में। तब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार, ये इसके अंदर आ गया, ये फिर इसके अंदर ये हो गया, ये इसके अंदर ये हो गया। तो इसको सिंपली याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, वो आपको बताता हूं मैं। एक अली नाम का बंदा था, वो पीसीएस में इंस्टीट्यूट में जाता है, काम करता था। वो एक वैसे ही ऑर्डिनरी कंप्यूटर ऑपरेटर था। वो क्या करता है, उसकी कंप्यूटर की विंडो उड़ जाती है। वहां जनरली पहले एक्सपी विंडो होती थी, वो एक्सपी उस कंप्यूटर में डालता है। तो उसी के ऊपर हमने ये पूरी कहानी घुमा दी है और इसी से पूरा प्लांट टिश्यू याद हो जाएगा आपको। कैसे याद होगा कि पहले देख लीजिए कि एक बार और से कि परमानेंट में दो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और मेरिस्टेमेटिक होते हैं तीन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। बस ये याद करना है कि मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट होता है, सिंपल और परमानेंट के दो पार्ट होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। बाकी सारे मैं आपको एक ही ट्रिक में बता दूंगा कैसे याद करने। चलिए देखते हैं और मिटाते हैं इसको। तो देखिए सिंपली मैंने जैसे आपको एक कहानी बताई और उस कहानी में ये बताया था एक अली नाम का बंदा था, वो पीसीएस में जाता है, पीसीएस के इंस्टीट्यूट था और उसमें वो एक्सपी डालता है। क्या डालता है? एक्सपी, विंडो एक्सपी। तो अली ने पीसीएस में एक्सपी डाली, ये हमारा एक सिंपल इसका ट्रिक बन गया है, डाली। ठीक है, देखिए कैसे, ए फॉर एपिकल, एल फॉर लेटरल, अच्छा आई फॉर इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, जाइलिन और फ्लोएम। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपली याद हो जाएगा। अच्छा ये किसके अंदर आता है, अली, अली मेरिस्टेमेटिक के अंदर आता है। अच्छा पीसीएस किसके अंदर आता है, परमानेंट टिश्यूज के अंदर, परमानेंट टिश्यू के किसके, सिंपल के, परमानेंट टिश्यू के सिंपल के अंदर। और ये किसके आता है, परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये बहुत सिंपल ट्रिक थी, आप भी इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आगे आपको पूरा पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए हमारा, और जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसके पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, शेयर और कमेंट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।